हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में क्या है हमारे पास? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो पीरियडिक है, एक क्लासिफिकेशन है और एक एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स के बारे में हमने पीछे पढ़ रखा है, तो अब हम इसमें एक एक करके देखेंगे कि मैटर जो है, जितने फॉर्म होते हैं उसमें कि एलिमेंट भी एक फॉर्म होता है। तो इसमें हम देखते हैं, फिर उसके बाद एलिमेंट्स के बाद क्लासिफिकेशन, फिर कैसे उनको बांटा जाता है करेक्टर के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर, फिर उसको देखेंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों का अलग अलग सीरियल वाइज आता रहेगा। तो अब हम इसमें देखना है कि एलिमेंट क्या होता है। तो हम पहले से देखते आए कि जैसे जो मैटर होते हैं, मैटर है, मैटर के बारे में पता है, जैसे कि ये कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्सटेंस हो, यदि इसमें क्या हो जाते हैं, मास हो, वॉल्यूम हो, तो वो क्या हो जाएगा, मैटर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो मैटर के अलावा हम देखते हैं कि मैटर के कितने फॉर्म पाए जाते हैं। तो मैटर में हम क्या देखते हैं कि एलिमेंट भी आता है। मैटर क्या होता है, एलिमेंट भी क्या होता है, मैटर होता है। तो मैटर के क्या है, एलिमेंट भी एक फॉर्म है, इसके बाद क्या है, कंपाउंड्स भी एक फॉर्म है। एलिमेंट्स हो, कंपाउंड्स हो, चाहे मिक्सचर हो, ये भी ये क्या है, मैटर का एक रूप है, एक फॉर्म है। ये क्या है, ये मैटर के सारे फॉर्म्स हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होने के कारण इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। तो हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रखा है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स में तीन कैटेगरी हो जाती है, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कुछ ले लें इसको समझने के लिए कि हम क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का कैसे करेंगे। तो मेटल्स में जैसे हमने सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया या कोई भी चीज़ ले लिया, नॉन मेटल्स में क्लोरीन है या ब्रोमीन है या कोई चीज़ हो, जर्मेनियम है, जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरह से चीज़ें हमने क्या किया कि एलिमेंट्स में हमने ये सारी चीज़ें देखा था। तो एलिमेंट्स में हमने ये सारी चीज़ें देखा था, तो जैसे सोडियम है, इसको हम सोडियम एन ए दिखाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, हम इसको क्या दिखा दें, सोडियम। सोडियम क्या है हमारे पास, एक एलिमेंट है, और सोडियम के जो एटम्स होंगे, मान लेते हैं कि ए हमारे पास सोडियम इतना, तो इसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे, ये सारे एटम्स से, मान लेते हैं एटम से भरा हुआ है। तो ये सारे एटम क्या होंगे, ये सारे के सारे जो एटम होंगे यहाँ पे भरे हुए, सारे एटम क्या होंगे, सेम होंगे, सेम एटम्स मिलेंगे, चाहे कोई भी एटम्स हम उठाएंगे वो क्या होंगे, सारे एटम सेम होंगे। और इसको किससे दिखाएंगे, एन ए 11-23 से। तो इस तरह से क्या होगा कि हमने देखा कि सोडियम जो एलिमेंट्स है, इसके सारे एटम्स क्या हैं, सेम एटम्स हैं, तो उसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें कि सारे एटम्स जो सेम होते हैं। इसी तरह क्लोरीन का भी ले लें हम, तो इसमें भी क्या होंगे, सारे एटम क्लोरीन के होंगे, इस तरह से दिखाएंगे। ये क्या होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर और ऊपर वाले को एटॉमिक मास बोलते हैं, या बहुत सारे मास नंबर भी होते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, कि वैसी चीज़ होगी जिसमें कि सारे एटम क्या होंगे, सेम होंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
एलिमेंट्स हो जाएगा। तो हमने एलिमेंट इसी तरह से ये हो जाएंगे। तो एलिमेंट्स क्या होगा, वो चीज़ होगी जिसमें कि जो सेम एटम्स पाए जाएंगे, तो ये एलिमेंट्स की कैटेगरी हो गई। अब हम देखेंगे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हमें क्या देखना है, कंपाउंड्स क्या है। यहाँ सोडियम लिया है हमने, यहाँ क्लोरीन है यहाँ हमारे पास। तो यदि हम Na और Cl को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, NaCl। यह क्या है, एक कंपाउंड्स है। और इस कंपाउंड्स की जो क्वालिटी होगी, Na की क्वालिटी और Cl की क्वालिटी से एक नया तरह का कंपाउंड बन जाता है, जिसके कलेक्टर क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। तो इस तरह से कंपाउंड्स हो गया। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल करके केमिकल रिएक्शन द्वारा एक नई तीसरी चीज़ जो बनाते हैं, उसको वो जो नई तीसरी चीज़ होती है जो प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोल देते हैं, कंपाउंड्स हो जाता है। तो कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो हमने देखा तो यहाँ पे क्या थे, सिंगल सिंगल एटम थे। अब हम यदि इस किसी कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के बारे में यदि हमें पढ़ना होगा, तो सोडियम क्लोराइड में हम क्या पढ़ेंगे, Na के बारे में भी पढ़ेंगे, Cl के बारे में भी पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि Na और Cl एक दूसरे से कैसे बंधे हुए, कैसे अटैच्ड हैं, इसमें कौन से बांड हैं और किस तरह की इसकी नेचर है, प्रकृति है। तो इस तरह से कंपाउंड्स हो गए। मिक्सचर में हमने क्या देखा है, मिक्सचर में होता है कि जैसे हमने सोडियम ले लिया, सोडियम साल्ट ले लिया और कैल्शियम साल्ट ले लिया। अब इनको क्या किया, हमने मिला दिया, इसमें एक बॉयल ले लेते हैं, इसमें क्या किया, दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। तो ये क्या बन गए, मिक्सचर बन गए। तो मिक्सचर को क्या होगा, हम फिजिकल मेथड से मान लेते हैं कि इसके कण थोड़े बड़े हैं, इसके कण छोटे हैं। तो यदि हम इसको छननी से यदि अलग करेंगे तो ये छोटे कण नीचे आ जाएंगे, बड़े कण ऊपर रह जाएंगे। तो इसका मतलब इसको फिजिकल मेथड से हम क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फिजिकल मेथड से सेपरेशन हो जाता है, सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो कंपाउंड्स है इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इनको क्या करेंगे, हमें केमिकल कोई ना कोई रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो ये नॉट सेपरेटेड होते हैं बाय फिजिकल मेथड। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आसानी से कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं होते तो इनको केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है। तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये अलग हो जाते हैं। तो अब हमने देखा कि मैटर के सारे फॉर्म्स होते हैं, मैटर होते क्या हैं। अब हमारे पास जब सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, हमें मेनली क्या क्लासिफिकेशन करना है, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के कुछ न कुछ क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनके कुछ न कुछ गुण होंगे, उन गुणों के आधार पर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कि एक तरह के जो एलिमेंट्स हैं एक जगह आ जाए, दूसरे तरह के दूसरे आ जाएँ। जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमने देखा था कि यहाँ पे मेटल्स वाले हुए थे, सोडियम पोटेशियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एक तरह के यहाँ पे अलग हो गया। नॉन मेटल में हमने इस तरह के ले लिए, मेटलॉइड्स में हमने इस तरह के ले लिए। तो ये क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशंस हो रहा है। किसका क्लासिफिकेशन हो रहा है, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो अब हम इसमें देखेंगे थोड़ी सी और चीज़ें कि अब इसमें अब तक जितने एलिमेंट्स खोजे गए हैं हमारे पास, तो वो लगभग करीब 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास टोटल। तो टोटल एलिमेंट्स जो हैं एक साथ तो खोजे नहीं गए होंगे। ये क्या है, समय के साथ जैसे जैसे एलिमेंट्स सामने आते गए साइंटिस्टों के पास, वैसे वैसे उन्होंने सेपरेशन किया उसका, कि कैसे कैसे किया जाए। तो जैसे जैसे थोड़े थोड़े आए होंगे, थोड़े थोड़े हुए होंगे सेपरेशन, फिर बाद में जब ज़्यादा आए होंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम पहले इसमें ये देखेंगे कि जो टोटल नंबर अब तक हमें नोन है, जो टोटल
नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन, ये कितने हैं इसमें 118, 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नोन है ह्यूमन के लिए। इसमें से जो 94 हैं वो क्या है, नेचुरली फाउंड होते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। बाकी के जो इसमें 24 बच जाएंगे, ये 24 कैसे होंगे, जो बनाए गए होंगे, बाकी ये नेचुरली 94 पाए जाते हैं। तो ए हो गया हमें। अब जो 118 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, एलिमेंट्स कितने मिल गए हमारे पास 118। अब हम क्या करेंगे कि 118 एलिमेंट्स को गुणों के आधार पे हम उनका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हम पहले ये समझेंगे कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं किसी चीज़ का। तो इसको हम एक सिंपल चीज़ से समझेंगे, फिर इसको हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है, ये सर्किल है, सर्किल के अंदर क्या है, एक ग्रुप है। तो इसमें हम कुछ ले लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को ले लेते हैं, चलो इसका नाम लिख देते हैं कार्टून करेक्टर्स के। मान लेते हैं क्या है, जियान है, इनोविता है, ए सुजुका है, ये कार्टून करेक्टर्स हैं, जैसे जियान हो गया, नोविता हो गया, सुजिका हो गया। और इसके बाद हम कुछ प्लांट्स ले लेते हैं, जैसे हम कमल ले लेते हैं, ये क्या हो गया हमारे पास, लोटस हो गया, हमारे पास क्या हो गया, ये लोटस हो गया, रोज हो गया। इसी तरह हमने कुछ जानवरों के ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या हो गया, रैबिट हो गया। इसी तरह से कुछ और ले लें, माउस ले लें, चलो मान लेते हैं ये माउस हो गया। तो अब हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें ले ली। अब हमें क्या दिखाना है इसमें कि क्लासिफिकेशन कैसे हम करेंगे, क्या ज़रूरत पड़ेगी क्लासिफिकेशन की। तो हम अभी इसमें क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बनाएंगे हम कहेंगे जो सिमिलर कैटेगरी के बंदे हैं उनको एक जगह रख दें, और जो दूसरे कैटेगरी के बंदे हैं उसको अलग जगह रखें। तो हम इसमें मार्क कर लेते हैं, मान लेते हैं ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, और ये बाकी सारे 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, ये 7 चीज़ें हैं, इनको हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुप बनाएंगे। मान लेते हैं कि एक ग्रुप 1 बना दिया, एक ग्रुप 2 बना दिया, एक ग्रुप 3 बना दिया। अब क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है, हम इसी को समझना है। क्लासिफिकेशन हमें एलिमेंट्स का करना है, हम यदि इसको समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, क्यों है, तो हम आसानी से बाकी इसको समझ सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हम क्या करेंगे, पहले क्लासिफिकेशन में सीधा सी चीज़ है कि जो एक तरह के क्वालिटी के होंगे, जिनका खाना पीना, रहन सहन, खाने की प्रक्रिया जो भी है वो क्या होगा, एक तरह का होगा, उसको एक ग्रुप में रख देंगे। तो अब हम देखेंगे कि ग्रुप 1 में कौन कौन से क्लासिफाई हो सकते हैं, 1, 2, 3, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वाले एक ग्रुप में आ जाएंगे, और दूसरे ग्रुप में क्या आ जाएंगे, जो पेड़ पौधे टाइप के हैं, यानी 4 और 5 को हम क्या कर देंगे, एक दूसरा ग्रुप बना लेंगे। और क्या करेंगे, जो एनिमल्स टाइप के होंगे उनको क्या करेंगे, 6 और 7 तीसरा ग्रुप बना लेंगे। तो अब हम इसमें ग्रुप किस आधार पे बनाए, हमने
एक जगह कलेक्टेड थी चीज़ें, हमने क्या किया इनको अलग अलग कर दिया। ये अलग अलग करना क्या है, ये अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग करना ही इसको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन का बेस हमने क्या लिया है, इनके खाने पीने का ढंग, रहने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, 1, 2, 3 का एक तरह का है, और इनके जो बायोलॉजिकल्स गुण हैं, फिजिकल्स गुण हैं, ये लगभग एक तरह के होते हैं। तो इस क्वालिटी के आधार पे हमने क्या किया कि इनको एक कैटेगरी में बांट दिया। और जो पेड़ पौधे हैं इनको, जैसे कि एक तरह का है, इनका क्या करते हैं, ज़मीन से वाटर लेते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जैसे ये खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में, इसी तरह से जैसे रोज करता है वैसे लोटस भी करता है। तो ये सब क्वालिटी के आधार पे इनको हमने क्या किया, एक दूसरे ग्रुप में रख दिया। उसी तरह से हमने देखा कि इन दो जानवरों का, एनिमल्स हैं, इनका क्या है, खाने पीने का ढंग, रहने का ढंग, ये इस तरह का एक तरह का होता है, तो इनको हमने अलग ग्रुप में बांट दिया। तो एक ग्रुप का जो डिवीजन हो रहा है किस बेस पे हो रहा है, कुछ न कुछ कार्य करने का, संरचना का ढंग, शरीर की संरचना का ढंग, कार्य करने का ढंग, इस तरह से खाना लेने का ढंग, खाने का ढंग। तो इन बेसों के आधार पे हम क्या करते हैं कि इनको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास, मान लेते हैं कि ढेर इन्हीं की जगह हमारे पास एक ग्रुप में हमने 118 क्या कर लिया, एलिमेंट्स इकट्ठा कर लिए। हमारे पास कितने हो गए, ये मान लेते हैं 118 एलिमेंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कितने हो गए, 118। अब हमको क्या करना पड़ेगा इनको कि ग्रुप में कोई ना कोई डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है सेम करेक्टरिस्टिक्स वाले एक ग्रुप में आ जाए, और जो अलग करेक्टरिस्टिक्स के हैं वो दूसरे ग्रुप में चले जाएँ। तो इसी को बोलेंगे हम कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। जैसे हम ये पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्यों का क्लासिफिकेशन करते हैं, उसी तरह से हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इस तरह से हमने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना है। तो चूँकि एलिमेंट्स तो एक साथ सारे एलिमेंट्स तो खोजे नहीं गए, तो क्या खोजे गए एलिमेंट्स कि ये धीरे धीरे ईयर वाइज ईयर जैसे खोजे गए, वैसे वैसे अलग अलग साइंटिस्टों ने इस कोशिश की कि इनको एक ग्रुप में अरेंज किया जाए, और उसी के बेस पे अलग अलग मॉडल्स आए कि इनको ऐसे करना चाहिए, उनको ऐसे करना चाहिए। तो हमारे पास अलग अलग मॉडल्स आते गए और उनको हमने क्लासिफिकेशन किया। तो इसमें इतना ही है। तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन करते करते हैं कौन कौन से आए साइंटिस्ट। तो अब हम इनका क्या देखेंगे आगे से, क्लासिफिकेशन कौन से की। तो इसमें जो हम जैसे कि ट्रायड्स पढ़ेंगे, किसी साइंटिस्ट ने ट्रायड्स दिया, ट्रायड्स का मतलब उन्होंने सोचा कि कुछ एलिमेंट को एटॉमिक मास के आधार पे इस तरह से अरेंज किया जा सकता है, बढ़ते एटॉमिक मास के आधार पे। तो किसी ने बताया कि चूँकि कम एलिमेंट्स थे तो ये काम चल जाता था, लेकिन सारे में अप्लीकेबल नहीं होता था। फिर कुछ ऑक्टेव्स का लाया कि हर आठवां एलिमेंट एक तरह का गुण दिखाता है, एक हो गया ये आठवां हो गया, तो ये पहला वाले का गुण आठवें वाले के गुण के बराबर होता है, तो इसको हम आठवें वाले को यहाँ ला देते हैं, यहाँ से दूसरा से फिर यह नौवां वाला बरा आठवें पे पड़ेगा, तो इसको नौवें वाले को यहाँ, तो इनके गुण 2 के 9 के 1 के 8 के बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम इसको अगले वीडियो में देखते हैं कि ट्रायड्स होते क्या होते हैं, ऑक्टेव्स क्या होते हैं। तो इसमें बस यहीं तक, थैंक यू।